आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा जलाली कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहूदा की किताब में लिखा है, वही तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा में निर्दोष खड़ा कर सकता है। आज सबसे पहले आपके और मैं अपने लिए परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, जैसे इस वचन में लिखा है कि वही तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, लेकिन इंग्लिश में लिखा गया है ही विल कीप यू फ्रॉम फॉलिंग, वो तुम्हें गिरने से बचा सकता है। हम सभी लोग किसी न किसी बात में रोज़ गिरते हैं। कभी कभी हम अपने मुँह से कुछ ऐसा बोल देते हैं या मन में ऐसा कुछ सोच लेते हैं, लेकिन आज प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि वो आपको और मुझे हमेशा संभाले और हमेशा पाप में गिरने से बचाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आपको शायद ये बात पता होगी, या मैं फिर से बता देता हूँ कि मैंने एक बेसिक टीचिंग की एक सीरीज स्टार्ट की है। और हमने जिस चैनल पे आप हमें देख रहे हैं, आप देखते होंगे कि हमने इसका नाम भी चेंज कर दिया। पहले इसका नाम था जीसस इज लाइफ अदर लैंग्वेजेस, लेकिन अब इसका नाम है जीसस इज लाइफ, उसका नाम है सूरज प्रेमानी बेसिक टीचिंग्स जो बाइबल की हैं, कुछ हमने ऐसा नाम रखा है। इससे पहले मैंने दो वीडियोस डाले थे जिसका जो टाइटल था वो था हम दुआ कैसे कर सकते हैं और बाइबल को पढ़कर समझ कैसे सकते हैं। और आज इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो मैं आज आपके सामने लाया हूँ जिसका नाम है हमें उपवास कैसे करना चाहिए, हाउ टू फास्ट। कई जगहों पर लोगों ने मुझसे सवाल पूछे कि ब्रदर हम फास्टिंग कैसे करें, कब करें, और हम फास्टिंग में क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। और आज इन तमाम सवालों का जो जवाब है आज मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ आपको। इस टीचिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ। वचन में लिखा है जब तक दूल्हा साथ में है बाराती कभी उपवास नहीं कर सकते, लेकिन जब दूल्हा अलग होगा तो बाराती उपवास करेंगे। ये बाइबल का एक ऐसा चित्र है जहां पर यीशु मसीह हमें समझा रहे हैं कि जब मैं इस पृथ्वी पर था उन दिनों में मैं तुम्हारे साथ में था, मैं तुम्हारा दूल्हा, लेकिन एक दिन मैं अलग हो जाऊंगा और अब वो पिता के दाहिनी ओर जाके बैठा है मुर्दों में से जी उठ के, और अब वो हमारे साथ फिजिकली नहीं है। और ये वो दिन है जब हमें फास्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा एक दिन आएगा जब दूल्हा अलग किया जाएगा तब ये उपवास करेंगे। दूल्हा अलग हो चुका है, ये उपवास के दिन है। क्या कहा और एक चीज़ प्रभु ने कि मेरे आने से पहले नूह के दिन आएंगे, लोग खाएंगे पिएंगे और बहुत सारी पार्टी स्पिरिट में चलेंगे, शादी ब्याह संबंधी सब कुछ होंगे। दुनिया भले ही खाने पीने के दिन है उसके लिए, लेकिन हमारे लिए उपवास के दिन है। अजीब लगता है जब लोग अपने वीडियोस में सिखाते हैं कि आपको उपवास की नीड नहीं है, उपवास आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप न भी करें, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसे झूठे शिक्षकों की शिक्षा पर ध्यान न लगाएं, इनके साथ रहते हुए आप स्पिरिचुअली वीक हो जाएंगे। मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं कभी भी किसी की भी शिक्षा के विरुद्ध में बात करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अगर आपस में ही क्रॉस करेंगे एक दूसरे को तो मसीहत क्या सीखेगी। लेकिन रिसेंटली मैंने YouTube पे कुछ वीडियोस देखे जिसमें ऐसा सिखाया जा रहा था एक प्रचारक के द्वारा कि फास्टिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जीसस खुद फास्टिंग करते थे। एलिया, मूसा, बाइबल के बहुत बड़े बड़े आत्मिक लोग फास्टिंग करते थे। कैथरीन कुलमैन फास्टिंग करती थी। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ संत पॉलस फास्टिंग करते थे। अगर आप इन दिनों में फास्टिंग नहीं रख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप कभी उस लेवल को टच नहीं कर पाओगे जो खुदावन ने आपके लिए रखी है। अब मैं बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके, मैं उन सब का आंसर आपको इस वीडियो में देना चाहता हूँ। ये एक टीचिंग है और ये वो सवाल हैं जो सालों से लोगों ने मुझसे पूछे हैं उपवास के बारे में। पहली चीज़,
हम फास्टिंग क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है। याद रखिए, कई सारे लोग फास्टिंग चमत्कार पाने के लिए भी करते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा, लेकिन आपका नंबर वन रीजन जो उपवास करने का है वो होती है स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक उन्नति। सबसे पहले इस बात को आप याद रखिए, कई बार जब हम प्रभु से पीछे होते हैं, जब आप देखते हो कि अब आप लोगों को सह नहीं पा रहे हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आपकी जुबान आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका कैरेक्टर जो है वो आपके हाथ में नहीं आ रहा, आप अपने आप को अपने आप से आगे निकल रहे हैं, जब आप देखते हैं कि आपके लाइफ में डिसिप्लिन गायब हो चुका है, मेन रीज़न ये होना चाहिए फास्टिंग का, क्योंकि उपवास में शरीर क्रूस पे चढ़ता है और वापस स्पिरिट इस बॉडी को कंट्रोल करता है। फास्टिंग रखने का मेन रीज़न ये होना चाहिए कि आपको प्रभु के करीब जाना है। कई सारे लोग जो हैं चमत्कार पाने के लिए फास्टिंग करते हैं, देखिए मैं किसको गलत नहीं कह रहा, क्योंकि वचन में लिखा गया है जैसा जिसका विश्वास है वैसा उसके लिए हो जाएगा। कुछ लोग का ये फेथ है कि मैं उपवास के द्वारा पा लूँगा, तो ओके आप बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ उपवास जिस वजह से करना चाहिए उसका मेन रीज़न है आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, परमेश्वर के दान वरदानों से भरना। मैं आपको ये बात बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आपकी उन्नति के लिए बता रहा हूँ। मैंने हमेशा जब भी फास्टिंग की, मैंने खुदा से एक ही चीज़ मांगी कि जो वचन मैं आज तक नहीं समझ पाता हूँ, मेरे लिए उन वचनों को खोल, ओपन कर। और प्रभु बड़ा विश्वास योग्य है, उसने मेरे लिए ये किया भी। फास्टिंग में आपको प्रभु से ये सारी बातें मांगनी चाहिए कि मुझे मेरे अंदर जो कठोरता है वचन के प्रति, मैं किसी किसी बात को इग्नोर करता हूँ, या मेरे अंदर जो हृदय है कठोर है, प्रभु मुझे एक मांस का दिल दे, मुझे आत्मा से भर, मुझे अपनी तरह बना, मुझे आत्मा से परिपूर्ण कर, मुझे अपने वचन के ऊपर रेवलेशंस दे। आपकी फास्टिंग रखने का मेन रीज़न होना चाहिए स्पिरिचुअल ग्रोथ, और स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक दूसरा नाम है टू बी लाइक क्राइस्ट, यीशु की तरह बनना। दूसरा सवाल, क्या उपवास रखना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं या आपने नोटिस नहीं किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मत्ती की किताब, उसमें एक वचन लिखा है, जब तू उपवास करे तो पाखंडियों की तरह उपवास मत करना। ऐसा क्यों नहीं लिखा गया है अगर तू उपवास करे? अगर बाइबल में लिखा होता कि अगर, इट मीन्स ये आपके ऊपर है, लेकिन बाइबल में होती है जब तू उपवास करे, इट मीन्स ये आज्ञा है। कई सारे लोगों को लगता है उपवास जो है वो तब रखना चाहिए जब प्रॉब्लम्स हैं, या हम देख रहे हैं कि हम पीछे हो गए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके लाइफ में वीकली फास्टिंग होनी चाहिए, हर हफ्ते उपवास होना चाहिए। हम अपने कलीसिया के अंदर हर महीने 3 से कभी-कभी 6 दिन भी हम उपवास कर लेते हैं, 3-3 दिनों के हम उपवास करते थे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ जिनको लगता है उपवास ज़रूरी नहीं है, या कुछ लोगों को लगता है कि ब्रदर मेरी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, मैं बहुत कमज़ोर हो जाता हूँ, चक्कर आते हैं, आधे दिन में मुझे भूख लगना स्टार्ट होती है, याद रखिए उसका एक कारण है। अगर आप उपवास रख के घूमेंगे फिरेंगे, प्रभु के साथ संगति नहीं करेंगे, तो आपको भूख लगेगी, क्योंकि जब आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं उपवास करूंगा, तो आपको प्रभु के साथ समय बिताना पड़ता है और उसी में आपको ताकत मिलती है फास्टिंग करने की। लेकिन अगर आप यहाँ वहाँ घूमेंगे और आप प्रभु के साथ संगति नहीं करेंगे, टीवी देखेंगे, तो ये उपवास नहीं है, इस उपवास में कोई जॉय भी नहीं आएगा आपको। पहला सवाल जो मैंने आपको उत्तर दिया कि उपवास स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए रखी जाती है। सेकंड, उपवास रखना ज़रूरी है क्योंकि बाइबल नहीं कहती है अगर, बाइबल बोलती है जब तू उपवास करे, ये एक आज्ञा है। हम सबको उपवास करना है, और हम पास्टरों को तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें तो हफ्ते में कई दिन उपवास करना चाहिए। अब तीसरी बात, उपवास कब करना चाहिए, दिन कौन सा है? क्या हम मंडे को फास्टिंग करें, वेनसडे को करें? मैं आपको कहना चाहता हूँ आप फास्टिंग किसी भी दिन कर सकते हो, कोई दिन नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट में वो दिन था जब वो कुछ भी काम नहीं करते थे, सप्त का दिन, लेकिन अब हमारे लिए सप्त नहीं है, हमारे लिए सब दिन एक समान है। यीशु ने क्या कहा,
सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य सब्त के दिन के लिए नहीं बनाया गया है। हमारे लिए डेज इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब चाहें, चाहे आप सोमवार से लेकर रविवार, मंडे से लेकर संडे तक, आपको जब चाहिए आप उपवास कर सकते हैं। मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताना चाहता हूं, मैं कब उपवास करता हूं या मैं कब करता था। एक टाइम था जब मैं जॉब करता था, अब तो मैं पार्ट टाइम वर्क करता हूं अपने डैड के साथ। और जब मैं उन दिनों में, जब मैं जॉब में था, जब मैं फास्टिंग करता था, मैं आपको बताना चाहता हूं उन दिनों में जिस दिन मुझे अपने काम से छुट्टी होती थी उसी दिन मैं फास्टिंग करता था, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे होल डे छुट्टी है, मुझे घर से निकलना नहीं है, कुछ काम नहीं होगा क्योंकि आज मुझे छुट्टी है। और मैं उस दिन परमेश्वर के साथ समय बिताता था उपवास करने में, और शाम को चर्च से होकर फिर मैं घर पे आके खाना खाता था। मैं आपको सजेशन दूंगा कि जिस दिन आप, अगर ये आपकी मर्जी हो तो जिस दिन आपको छुट्टी है उस दिन फास्टिंग कीजिए। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, जिस दिन हम लोग को छुट्टी होती है हम उस दिन फैमिली हम लोग जाते हैं कहाँ पर, तो इट्स ओके, किसी और दिन पे कीजिए। फास्टिंग आप कभी भी कर सकते हैं। फास्टिंग के लिए कोई डे नहीं है कि इसी दिन करोगे तो ज़्यादा इफेक्ट होगा। जी नहीं, बाइबल में ऐसी कोई टीचिंग नहीं है। चौथा सवाल, हम फास्टिंग में क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, फास्टिंग में आप चाय ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, आप कोई भी जो लिक्विड्स होते हैं आप उनको ले सकते हैं। और आपको रात को एक वक्त का खाना खा लेना चाहिए। और अगर आप सुबह से फास्टिंग कर रहे हैं, जैसे आप उठ रहे हैं, तो आप एक चाय ले लीजिए, और उसके बाद भले आप दोपहर में चाहे तो एक और चाय या कॉफ़ी या जूस, जो भी आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। और आप रात को 8-9 बजे, 7 के बाद आप कभी भी आप अपने फास्टिंग को खोल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और आप एक मील का खाना आपको जो अच्छा लगता है आप खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब पांचवी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, कितने दिन उपवास करना चाहिए। देखिए ये आपके ऊपर है। बाइबल में एक दिन भी फास्टिंग कुछ लोगों ने की, और आप देखते होंगे कि अलग अलग चीज़ें हैं। डैनियल में आप पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा दिनों की फास्टिंग थी, एलिया ने 40 डेज की, जीसस ने 40 डेज की। तो ये आपके ऊपर है। और मैं आपसे ये बात कहूँगा कि अगर हो सके तो वीक में कम से कम एक दिन या दो दिन फास्टिंग कीजिए। और अगर उसके बाद आप ज़्यादा कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपका पर्पस क्या है। कुछ लोगों ने बाइबल के अंदर 7 दिन फास्टिंग की, 9 दिन फास्टिंग की, 21 डेज फास्टिंग की, 40 डेज फास्टिंग की, लेकिन याद रखिए उन्होंने ऐसी फास्टिंग नहीं की, देयर वॉज अ पर्पस। कुछ लोगों ने रेवलेशन पाने के लिए, ड्रीम का अर्थ जानने के लिए फास्टिंग की। कुछ लोगों के लिए प्रभु ने मिनिस्ट्री रखी थी। आपने देखा होगा जीसस ने मिनिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले 40 डेज फास्टिंग की, मूसा ने 40 डेज फास्टिंग की। और बाइबल के अंदर जब भी लोगों ने लंबी फास्टिंग की तो याद रखिए उन्होंने सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं की कि बस आपने किसकी टेस्टिमनी सुन ली यूट्यूब पे तो आपने भी फास्टिंग की। नो, उनको परमेश्वर ने कमांड किया। एक नॉर्मल फास्टिंग होती है एक दिन, जो हम सभी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद 3 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 21 दिन, 40 डेज, आप ये देखिए कि आप जब वो फास्टिंग कर रहे हो तो उसके पीछे पर्पस क्या है। क्योंकि कई बार लोग जो होते हैं ऐसे ही किसी को भी सुन के फास्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं, और कई बार उनकी फास्टिंग में खुदावन से भी उन्हें कुछ नहीं मिल पाता क्योंकि कोई पर्पस नहीं है फास्टिंग का। हाँ, अगर आपके पास कुछ पर्पस है, आप किसी चीज़ को इन दिनों में ढूंढ रहे हो तो, और आप प्रभु को कह रहे हो कि प्रभु ये 21 दिन, ये 7 दिन, ये 9 दिन, ये 40 डेज, प्रभु मैं इस चीज़ के लिए जा रहा हूँ, तो आपका पर्पस होना चाहिए। और एक चीज़ और, अगर आपकी हेल्थ आपको साथ नहीं देती तो अच्छा होगा आप एक ही दिन में फास्टिंग कीजिए। जैसे मैंने आपको एक रूटीन बताया, इन लंबी लंबी फास्टिंग करने से अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो प्लीज़ आप सबसे पहले किसी चिकित्सक से, किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए। और वो क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी हेल्थ को भी देखना है, ज़िंदा रहेंगे तो और फास्टिंग कर पाएंगे। अब एक आखिरी सवाल जो मेरा है, फास्टिंग में क्या करना चाहिए। याद रखिए, अगर आप फास्टिंग में प्रभु के साथ वचन नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते,
उसकी आराधना नहीं करते तो ये फास्टिंग नहीं है, ये एक डाइटिंग है। इससे सिर्फ आपका वजन कम होगा। मैं जब फास्टिंग करता हूं, मैं कई बार अपने कमरे में जब जाता हूं, परमेश्वर से बात करता हूं, चुप रहता हूं, प्रभु को सुनने की कोशिश करता हूं, वचन पढ़ता हूं, अन्य भाषाओं में बात करता हूं, प्रार्थना करता हूं, उसकी आराधना करता हूं, उसके उपकारों को याद कर करके उसे धन्यवाद देता हूं, कई बार उसके सामने गिरकर उसे सजदा करता हूं, कई बार उसकी विश्वास योग्यता, जो उसकी फेथफुलनेस है, उसको लेकर उसको प्रेस करता हूं। कई सारे लोग इस बात को नहीं समझते कि फास्टिंग जो है वो खुदा के साथ एक हो जाना है। हिंदी में कहते हैं उपवास, उपवास, ऊपरवास। जिस दिन आप फास्टिंग करते हो, आप अर्थ को एक मैसेज दे रहे हो, भले ही मेरी बॉडी यहाँ है पर मैं यहाँ नहीं हूँ, आई एम इन हेवन, मैं ऊपर हूँ। इसका अर्थ है उपवास करना। कई लोग कहते हैं ब्रदर हमारा जॉब है, हम कैसे प्रभु को सारा दिन समय दें। कोई बात नहीं, सुबह जल्दी उठिए, कुछ समय खुदा के साथ बिताकर फिर आप काम पे चले जाइए, फिर शाम को आइए, थोड़ा और समय बिताइए, फिर आप फास्टिंग को ख़त्म कर दीजिए। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप छुट्टी लेकर फास्टिंग करो, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर फास्टिंग में आप प्रभु को समय नहीं देते तो आपकी फास्टिंग व्यर्थ है, डाइटिंग कर रहे हैं आप। मैं इसे फास्टिंग नहीं मानता, क्योंकि अगर आप फास्ट रख के प्रभु को ही टाइम नहीं दे रहे हो तो एक्चुअली आप सिर्फ एक नियम को फॉलो कर रहे हो। जैसे आजकल बहुत सारे जो लोग हैं, जो अन्य जातियों में भी हैं, जो फास्टिंग करते हैं, लेकिन वो कई बार जैसे मानते हैं उसे टाइम नहीं देते, ये फास्टिंग नहीं है। हम मसीहों के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम जब उपवास करते हैं तो हम खुदा के करीब जाने के लिए उपवास करते हैं। फास्टिंग जो है मेन चीज, फास्टिंग फेलोशिप लेके आनी चाहिए। आप जानते हैं जब आदम ने पाप किया तो वो जो कम्युनियन थी, जो कम्युनिकेशन था, वो ब्रेक हो गया। लेकिन जब आप उस प्रभु बोझ को तोड़ते हैं तो उसका हम इसे क्या कहते हैं, होली कम्युनियन। ये रोटी नहीं है, ये मेरी सहभाग्यता वापस जुड़ रही है इस रोटी के द्वारा। यीशु मसीह की मौत को दर्शाता है ये, कि मैं यीशु के मौत के द्वारा एक बार फिर से पिता के साथ जुड़ूंगा। दैट्स कॉल होली कम्युनियन। फास्टिंग में प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, उसके उपकारों को याद कर करके, एक्चुअली ये तो डेली लाइफ होनी चाहिए हमारी, लेकिन फास्टिंग में तो ये हमें ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप फास्टिंग में प्रभु को टाइम नहीं देते, आप टीवी देखते हैं, आप घूम फिर रहे हैं, आपके पास समय भी है फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, तो आपके फास्टिंग रखने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं कई बार जब मैं पहले फास्टिंग करता था, मैं किसी भाई के शॉप पे जाता था या कुछ काम करता था, मुझे कई बार खुदा ने कहा कि सूरज तेरे पास 6 दिन है, तू उसमें निपटा, लेकिन तू इसी दिन पे सब काम करता है तो फास्टिंग रखने का फ़ायदा क्या हुआ, ज़रा सोचिए। और एक आखिरी चीज़ जो मैंने इसमें लिखी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मुझे आपको ये बतानी चाहिए, आपका उपवास पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ये करेंगे तो। जो खाना आपने छोड़ा है वो खाना किसी गरीब को दे दीजिए। देखिए आपके बिल्डिंग में, आपके घर के आसपास क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो 2 वक्त की रोटी के लिए रास्ते पे बैठा रहता है, घर घर जाके मांगता है? या आपको लगता है कि आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है और बड़े तकलीफ में है, वो लोग मांग रहे हैं, उनके पास जाइए और जो 2 वक्त का खाना आप, 1 वक्त का खाना आपने छोड़ा, वो उन्हें अच्छे से देकर आइए। मैं उस उपवास से खुश होता हूँ, यशाया में लिखा है, जिसमें तुम दीन और दरिद्र की सुद्धि लो, उसके साथ मिलो। न्याय के दिन यीशु मसीह कहता है, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सारे जो मैंने आपको बातें बताई, ये फास्टिंग है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुतों के क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे कि फास्टिंग कैसे और कब करनी चाहिए। और अब मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं कि यदि आप, जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूं, प्लीज़
ये मत सोचिएगा कि मैं नेक्स्ट वीक से फास्टिंग करूंगा, कल से फास्टिंग कीजिए, कल का दिन कीजिए, फिर 2-3 दिन का गैप के बाद फिर से कीजिए। अगर आप ये भी सोचेंगे ना 2-3 दिन के बाद मैं ये करूंगा, डेविल इस वर्ड को चुरा के लेके जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने आज कुछ लर्न किया होगा। और हाँ, मैं हमेशा की तरह कहता हूं, आज भी मैंने फास्टिंग पर भी एक आर्टिकल लिखा है, जो कुछ एक और चीज़ मैंने ऐड की है उसमें, जो मुझे लगता है कि वो आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको इन बेसिक टीचिंग्स को सुन के अगर आप लगता है कि आप बहुत कुछ सीख रहे हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं भी इनकरेज हो जाऊँ और आने वाले दिनों में मैं भी आपके लिए ऐसे और वीडियोस अपलोड करता रहूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी ने ब्लेसिंग पाई। और अगर आप चाहते हैं कि वो आर्टिकल हम आपको भेजें, तो आप इस नंबर पर, जो ये नंबर नीचे दिया गया है, इस नंबर पर हमें लिख सकते हैं, हमें उपवास का आर्टिकल भेजिए और हम आपको भेज देंगे। हम सारी बातों के लिए महिमा आदर यीशु मसीह को देते हैं। जय मसीह की।